हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हियर आई एम विद माय अनदर स्टडी व्लॉग। ये रहे मेरे आज के डेली टारगेट, बट बिलीव मी मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख लिया था, इतना करने का तो मेरे पास टाइम भी नहीं था। स्टार्ट मैंने मॉर्फोलॉजी से किया क्योंकि ये चैप्टर मुझे रिवाइज करना था, मैंने सिर्फ एक ही बार पढ़ा अभी तक इसे। तो फिर मैंने एक दो पेज पढ़े और मुझे लगा कि यार थोड़ा सा ना फिजिक्स पढ़ लेते क्योंकि अभी माइंड थोड़ा मेरा फ्रेश सा है। और फिर मैंने आज डिसाइड किया था कि आज मेरे को सेमीकंडक्टर कंप्लीट करना है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चैप्टर बहुत छोटा है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, चैप्टर बड़ा है। हाँ, हालांकि कंपैरेटिवली इजी है, उतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बट बहुत ज़्यादा रिवाइज ना करने के कारण मुझे चैप्टर करने में टाइम लग रहा था, बट इट्स ओके। अब पहली बार नहीं कर रही हूँ मैं इससे पहले एक बार कर चुकी हूँ, बट ना मैंने सिर्फ आधा ही चैप्टर कंप्लीट किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस आधा चैप्टर कंप्लीट किया, मेरे को लगता था कि बस इतने ही टॉपिक है। जब मैंने देखा पीवाईक्यू, उसमें तो टॉपिक बहुत सारे और भी दूसरे दूसरे टॉपिक्स पे भी क्वेश्चंस आए थे। कोचिंग में मैंने जितने टॉपिक पढ़े थे सेमीकंडक्टर्स के, मैंने उतने खुद से रिवाइज कर लिए, बट वो पोर्शन बहुत ही छोटा सा था जितना मैं पहले से पढ़ रखी थी। एक्चुअल मेरा बहुत सारा बाकी था, तो फिर मैंने MR सर का वीडियो निकाला उम्मीद सीरीज का, उसके बाद फिर मैंने बचे हुए टॉपिक्स उससे कंप्लीट किए। बहुत लंबा लेक्चर था यार और बहुत सारे टॉपिक्स भी मेरे बाकी थे। बहुत टाइम लगा टॉपिक करने में, फिर टॉपिक को रिवाइज करने में, और उन टॉपिक के थोड़ा सा ना शॉर्ट नोट्स भी बना ही लेते हैं क्योंकि एंड मोमेंट में बार बार लेक्चर के नोट्स थोड़ी पढ़ूंगी। बीच बीच में ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था फिजिक्स पढ़ पढ़ के, तो मैं क्या कर रही थी, थोड़ा थोड़ा ना फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री पढ़ने लग जाती थी। केमिस्ट्री के मैंने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ऐसे करते करते ना पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। वो चैप्टर मेरे को रिवाइज करना है, सोच रही हूँ कल या परसों में रिवाइज भी कर लूँगी उसको। पता है मुझे सबसे ज़्यादा डर किस बात का लग रहा है, मेरे को डर इस बात का लग रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के चक्कर में मेरी बायोलॉजी का रिवीजन ना रह जाए, क्योंकि मेरे प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी बहुत ज़्यादा वीक है। उसको मेरे को अच्छे से कंप्लीट करना, उसका रिवीजन का टाइम मैं कैसे मैनेज करूँ, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी बहुत वीक है, तो मेरे को उसको टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है। आई डोंट नो, बट मैं कोशिश कर रही हूँ मैनेज करने की, बट इतना है कि बायोलॉजी को मैं फोकस ज़रूर करूँ क्योंकि मैक्सिमम मेरे को मार्क्स वहीं से मिलने हैं। फिर भी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं छोड़ने वाली, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी। देखो मुझे नहीं पता मैं एक महीने में कितना प्रिपेयर कर लूँगी और मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे, बट इतना है कि जितना बचा हुआ टाइम है मैं उसमें अपना 100% दे रही हूँ, तो जब भी रिजल्ट आएगा, जो भी मेरे मार्क्स होंगे, मुझे रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा मैक्स टू मैक्स मैं 4 से 5 घंटे ही पढ़ती थी, और अब मैं 14 hours 13 hours कर रही हूँ। मतलब देख रहे हो इम्प्रूवमेंट हुई है मुझ में, ये पहले हो जानी चाहिए थी, बट ठीक है थोड़ी लेट हुई है, जब जागो तभी सवेरा, और क्या। आई होप कि आप मेरा दुख समझ सकोगे, जिनकी हालत इस वक्त मेरे जैसी है ना वो समझ पाएगा कि एक्चुअली मेरा दुख क्या है। मुझे ना बहुत डर लगता है कि एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बचा है, बट फिर मैं ये सोचती हूँ कि डर के क्या ही मतलब, कौन सा नंबर आ रहा है। ये देखो मेरा जेनर डायोड से पूरा इतना बचा हुआ था, मेरे को ये पूरा कंप्लीट करना पड़ा, और मैं इसको बिल्कुल भी स्पीड में नहीं देख रही थी, नॉर्मल स्पीड में देख रही थी, क्योंकि फिजिक्स अगर मैं स्पीड में देखती हूँ ना 2x 1.5x, तो मेरे को समझ कुछ नहीं आता है, और पढ़ते पढ़ते भूख तो लगती है। सो मेरा अल्टीमेट सॉल्यूशन है कच्ची मैगी खाना, मैं तो बिल्कुल खाती हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है। एंड फाइनली 14 hours फिर से आज कंप्लीट हो गए हैं, बट ठीक है, आई एम नॉट दैट मच सेटिस्फाइड, कोई बात नहीं, आज का लोग यही एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक ले बाय, जय श्री राम, जय माता दी।